भारत में इन दिनों मीटू कैंपेन ने तहलका मचाया हुआ है। बॉलीवुड के दिग्गज आलोक नाथ, विकास बहल, नाना पाटेकर भी जहां इसके चपेट में आ गए, वहीं मोदी सरकार में मंत्री एमजे अकबर भी मीटू के लपेटे में आ गए हैं। मीटू कैंपेन के जरिए एक तरफ पीड़ित महिलाएं अपना दर्द बयां कर रही हैं, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में इस कैंपेन का मजाक उड़ाते दिखे। पेंसिल्वेनिया में हो रहे मध्यावधि चुनाव को लेकर रैली कर रहे मिस्टर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने द गर्ल दैट गॉट अवे मुहावरे की ओर इशारा करते हुए कहा कि एक मुहावरा है, लेकिन मीटू के नियमों के चलते अब मुझे उस मुहावरे के इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। ट्रंप ने द पर्सन दैट गॉट अवे मुहावरे का मतलब बताते हुए कहा कि इस मुहावरे का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जिससे आपने कभी प्यार किया था या आपके करीब रहा और फिर आपको छोड़कर चला गया, लेकिन आप उसे याद करते हैं और अब भी प्यार करते हैं। What anchored me, because I love this state. And I went to school in this state, right? I went to school in this. I love Pennsylvania. I went to school in this state. Great place, great people. What anchored me is Pennsylvania hasn't been won for many years by Republicans. But every Republican thinks they're going to win Pennsylvania. They didn't quite get it, but I got it. It's called the workers. I got it. Every Republican, I'd use an expression, you know, there's an expression, but under the rules of Me Too, I'm not allowed to use that expression anymore. I can't do it. It's the person that got away. See, in the old days, it was a little different. Pennsylvania says do it anyway. रैली में मौजूद मीडिया कर्मियों पर तंज कसने से भी नहीं चुके डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि मीडिया को छोड़कर बाकी सभी के लिए वो पुराने मुहावरे का इस्तेमाल करेंगे। मीडिया कर्मियों की ओर इशारा करते हुए ट्रंप बोले, I would do it except for these people up there. They would say, did you hear what President Trump said? Did you hear what he said? So there is an expression, but we'll change the expression. Pennsylvania was always the person that got away. That's pretty good, right? The person that got away. राष्ट्रपति ट्रंप के अलावा उनकी पत्नी मेलेनिया ट्रंप का भी हाल में मीटू कैंपेन पर बयान आया था। उन्होंने कहा था कि आरोप लगाने वाली महिलाओं को सुने जाने और समर्थन की जरूरत है, पुरुषों को भी ये मौका मिलना चाहिए। जब ऐसे आरोप लगाते हैं तो ठोस सबूत की जरूरत पड़ती है। आपको बता दें, भारत में छाया मीटू कैंपेन अमेरिका से ही शुरू हुआ था। हाल ही में हॉलीवुड के फेमस फिल्म डायरेक्टर हार्वे विंस्टीन पर मीटू के जरिए महिलाओं ने यौन शोषण के आरोप लगाए थे।